नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि कोरोना संकट के बीच अभी भी पर्यटक दूसरे देशों से तो भारत में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो देश के अंदर हैं या राज्य के अंदर हैं वो अगर उब गए हैं तो तमाम नियमों को फॉलो करते हुए वो देश के चुनिंदा स्मारकों पर अब जा सकते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को भी 6 तारीख से खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको तमाम नियमों का भी पालन करना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट करके यह बात बताई है कि देश के कुछ चुनिंदा स्मारकों को अब पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। आपको बताते हैं कि देश में 3000 से ज्यादा पर्यटक स्थल हैं, उसमें से फिलहाल सिर्फ 837 के आसपास स्मारकों को खोलने की बात कही गई है, उसमें से एक ताजमहल भी है। अगर आप ताजमहल घूमने जाना चाहते हैं इस समय तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जो बेसिक नियम कोरोना से बचने के लिए हैं वो नियम हर एक शख्स को, जो भी पर्यटक ताजमहल का दीदार करना चाहता है, उसे फॉलो करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग उसे अपनानी होगी, उसे अपनी थर्मल स्क्रीनिंग भी करानी होगी और सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही होगा। इन तमाम स्मारकों पर आप एक बात का ध्यान रखें, चाहे वो टिकट लेना हो या फिर इन स्मारकों के अंदर के कैंटीन में खाने पीने का सामान लेना हो, सिर्फ डिजिटल पेमेंट के जरिए ही यहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। यह बात तय की गई है कि आप किसी भी स्मारक में जाएं, साथ ही आपको हर वक्त मास्क लगाकर ही रहना है। इतना ही नहीं, इन स्मारकों के रखरखाव के लिए ये भी कहा गया है कि उनको गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, साथ ही उन्हें जूतों को भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी, जिसके बाद कोई भी शख्स किसी भी स्मारक के अंदर एंट्री ले सकता है। और खास करके ताजमहल के अंदर ये कहा गया है कि पूरे एक बैच में सिर्फ 2500 लोग ही जा सकते हैं, यानी कि एक बार में बहुत ज़्यादा भीड़ ताजमहल के अंदर नहीं होने दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है जो लोग देखने के लिए ताजमहल के अंदर जाते हैं, उस मेन गुंबद तक जाने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ वहां पर इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप ग्रुप में हैं तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी ताजमहल का दीदार करना है। तो ताजमहल अब 6 जुलाई से खुल रहा है, लेकिन उसको लेके कुछ नियम कानून है जिसे हर किसी को अब फॉलो करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ताजमहल के खुलने से ताज नगरी आगरा में जो एक तरीके से, क्योंकि वहां का मुख्य व्यवसाय जो है वो पर्यटकों पर ही बेस था, वो पूरी तरीके से 3 महीने से ज़्यादा का लगभग समय हो गया जो ठप पड़ा हुआ था। अगर आप याद करें तो लगभग 17 मार्च के आसपास से ही तमाम स्मारकों को बंद कर दिया गया था, तो ऐसे में 3 महीने से आसपास का समय हो गया जब से ये दुकानें नहीं खोली गई। अब उनके लिए भी थोड़ी सी राहत की बात है कि ताजमहल के खुलने की वजह से आगरा में थोड़ी रौनक भी लौटेगी, साथ ही व्यवसाय भी बढ़ेगा। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि ताजमहल को 6 तारीख से आम लोगों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। अगर आप भी ताजमहल जाना चाहते हैं तो कुछ नियमों का बस आपको पालन करना है जो पहले मैंने आपको बताया है।